आज हम बात करेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में। ये हॉर्मोन्स की सेंसिटिविटी की वजह से होता है और ये मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। हम इसके हेयर साइकिल के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरह से दवाइयाँ काम करती हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में पैटर्न होते हैं, मेल में अलग पैटर्न होता है और फीमेल में अलग पैटर्न होता है। बाल जो हैं वो कुछ खास एरिया में ज़्यादा झड़ते हैं, जैसे मेल्स में सामने की हेयर लाइन में ज़्यादा झड़ते हैं। ये बालों का स्ट्रक्चर है, ये स्किन की लेयर है और ये है हेयर रूट सेल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो कैपिलरीज से मिलता है। रेड कलर की आर्टरी है जिससे कि दवाइयाँ और न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन पहुँचते हैं हेयर में। और येलो कलर की जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड को वापस ले आती है। एनाजन फेज़ में, ये हेयर का एनाजन फेज़ यानी कि ग्रोथ फेज़ का फोटो है। एनाजन फेज़ काफ़ी लंबा रहता है और इस दौरान लगातार जो है वो हेयर की सेल्स, नई सेल्स बनाती रहती हैं और इन नई सेल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहती हैं और हेयर हमारा ग्रो करता रहता है। कुछ लोगों में ये 3 से 7 साल तक का होता है, कुछ लोगों में जिन में हेयर का ये एनाजन फेज़ शॉर्ट होता है उनमें बाल भी छोटे रहते हैं। कुछ लेडीज़ में जिनका एनाजन फेज़ बहुत लंबा होता है उनके बाल काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं। इसके बाद एक ट्रांजिशन फेज़ आता है जिसे कैटाजन कहते हैं, ये कुछ हफ्तों का होता है केवल। इस दौरान जो है वो कैपिलरीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और हेयर की जो रूट है वो भी धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है और श्रिंक होकर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है, हेयर बनना बंद जाते हैं। ये बहुत ट्रांजिटरी फेज़ है, कम समय के लिए रहता है और इसे बोलते हैं कैटाजन फेज़। इसके बाद कैटाजन फेज़ के बाद हमारा शेडिंग फेज़ स्टार्ट होता है जिसे हम टीलोजन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हेयर रूट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, छोटी हो गई हैं, लेकिन उसमें जो डेड हेयर है वो अभी भी फंसा हुआ है। हेयर बनना रुक चुका है लेकिन हेयर फंसा हुआ है। टीलोजन फेज़ से कुछ महीनों का होता है, 2-3 महीनों का ये शेडिंग फेज़ है और इस दौरान हेयर रूट और भी छोटे हो जाएंगे और इसमें जो फंसा हुआ हेयर है वो निकल के बाहर शेड हो जाएगा। जो कैपिलरीज है वो बहुत पतली हो गई हैं और पीछे चली गई हैं और हेयर रूट काफ़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और फिर से अब इसके बाद एनाजन फेज़ शुरू होगा और इसमें वापस रूट की जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी और कैपिलरीज में वापस थिकनिंग होगी और जो उसमें फंसा हुआ बाल था वो कुछ दिनों में झड़ जाएगा। तो ये एनाजन, कैटाजन, टीलोजन फेज़ हमारे हेयर ग्रोथ की साइकिल्स होती है, नॉर्मल साइकिल्स। ये देखिए बाल झड़ गया है और वापस एनाजन फेज स्टार्ट हो गया है, वापस ब्लड सप्लाई शुरू हो गई है और नया हेयर बनना शुरू हो गया है। जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये स्वेट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथि। मेल्स में जो एलोपेशिया का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है, पीछे वर्टेक्स में और आगे टेम्पोरल एरिया में हेयर कम होते हैं। फीमेल्स में अलग पैटर्न होता है, उसमें मांग के पास हेयर कम होते हैं। ये स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है जिसमें कि हेयर रूट्स हैं। और हेयर रूट्स के इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक मसल भी है जो कि हेयर से अटैच्ड होती है। जैसे जैसे एनाजन फेज शॉर्ट होगा हेयर फॉल हमारा बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा हेयर टीलोजन में जाएंगे हमारा हेयर फॉल बढ़ेगा। और एनाजन फेज़ में हेयर रूट ज़्यादा थिक होती हैं, नीचे तक होती हैं और उनमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। कैटाजन में ये चीज़ कम हो जाती है और राइट साइड में टीलोजन फेज़ है, इसके बाद बाल झड़ने वाला है और ये रिपीट होता रहता है। जो टीलोजन फेज़ है वो इक्का दुक्का हेयर बीच बीच में एक ही जगह पे सारे बाल टीलोजन में नहीं होते, दूर दूर होते हैं, तो वो धीरे धीरे झड़ते रहते हैं। और किसी किसी एरिया में जहाँ हॉर्मोन्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का इस तरह से पैटर्न स्टार्ट होता है। जब हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं जैसे मिनोक्सिडिल है, तो ये किस तरह से काम करता है? ये हेयर रूट्स में वॉसोडाइलेशन करता है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो मिनोक्सिडिल जो है वो कैपिलरीज में वॉसोडाइलेशन करता है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचेगा और हेयर जो है ज़्यादा थिक और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। एक होता है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये स्ट्रेंथन होने की वजह से वहाँ पर वैस्कुलराइजेशन बढ़ता है। जो ये कैपिलरीज की सेल्स हैं इनमें फेनेस्ट्रेशन यानी कि पोर्स बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन निकल करके छन करके बाहर आएगा, ज़्यादा दवाइयाँ रूट्स में पहुँचेंगी और मैट्रिक्स सेल ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। तो इस तरह से मिनोक्सिडिल और दूसरे हेयर सीरम्स काम करते हैं, वो वहाँ पर न्यूट्रिशन और ब्लड और ऑक्सीजन को ज़्यादा पहुँचाते हैं ताकि जो हमारा एनाजन फेज़ है वो जो पहले शॉर्ट हो गया था वो लॉन्ग हो जाए, हमारे बाल जो हैं वो ज़्यादा देर तक ग्रो करते रहें। टीलोजन फेज़ शॉर्ट हो जाए तो शेडिंग फेज़ में कम हेयर रहेंगे, कम बाल झड़ेंगे। इस तरह से हमने देखा कि एंडोजेनिक एलोपेशिया में किस तरह से दवाइयाँ काम करती हैं, क्या ग्रोथ साइकिल होती है।
एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। तमाम तरह की बीमारियों में टीलोजन फेज बढ़ जाता है, तो एक अलग तरह का हेयर फॉल होता है जिसे हम कहते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। एंडोजेनिक एलोपेशिया में भी एनाजन फेज शॉर्ट हो जाता है हार्मोनल सेंसिटिविटी से, उसकी वजह से इक्का दुक्का जगह जगह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तब भी कभी कभी शुरू में थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाल झड़ना बल्कि 5-10% बढ़ गया है, क्योंकि दवाइयाँ ये जो टीलोजन वाले बाल थे उनको हटाती हैं पहले, ताकि नए सिरे से रूट्स एनाजन में जाएं और तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो। तो ग्रोथ साइकिल हेयर की पता होना बहुत ज़रूरी है, और दवाइयों का मैकेनिज्म हमें पता होना ज़रूरी है, और साथ ही ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, क्या ये हार्मोनल है या इन्फेक्शन की वजह से है या जेनेटिक है।